गाइस, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो कसा काय वेलकम टू माय वीडियो एंड माय चैनल गाइस। तो गाइस, आप सभी को बताइए कि जब आपको शॉर्ट टाइम में फेम और सक्सेस मिल जाती है तो भाई ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि वो जितनी ही ऊपर लेके जाती है ना शॉर्ट टाइम फेम और सक्सेस, वो उतनी ही तेजी से ना एकदम से नीचे ला के फेंक देती है इंसान को, अमीर से फकीर बना देती है। इसके आपके इसके इसके एग्जाम्पल आपके सामने दो है। पहले तो रानू मंडल, दूसरी उसकी कजन सिस्टर वड़ा पाव गर्ल। तो दोस्तों देखो, ये बिग बॉस के बाद में ना इतनी कंट्रोवर्सी कर रही है ना भाई, इतनी हद से ज्यादा ये कंट्रोवर्सी कर रही है, हद से ज्यादा किसी के साथ लड़ाई कर रही है, लफड़ा कर रही है। तो दिख जाए भाई, अगर तुमने इतनी ही कंट्रोवर्सी अगर बिग बॉस में अगर बोल लिया होता ना, तो तुम्हें बिग बॉस पहले ही हफ्ते में बाहर नहीं फेंकता। अबे साले, पहले हफ्ते सॉरी, जितने भी तुम दिन रही उतने में तुमने गंदी फैलाया उस घर में, बाहर भी तुम फैला रही थी और अब भी तुम और गंद फैला रही हो। तो देखो भाई, बिग बॉस के बाद इसके जितने इंटरव्यू हो रहे हैं ना, शायद ही किसी कोई कंटेस्टेंट्स के हो रहे होंगे, क्योंकि देखो बाकी सब अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में बिजी है, उनको काम मिल गया, ये ना ही बिजी है और ना ही इसको कोई काम दे रहा है, ना ही इसको काम कोई मिल रहा है। देखो इसका वो भी काम चला गया और वड़ा पाव का धंधा भी बंद हो गया, क्योंकि वो जब ठेले पे थी वो रंडी रोना करती थी, जब इसको लोग देखते थे अब ये दुकान पे आ गई, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया। स्टैंडर्ड बढ़ा लिया भाई, वो वाला नहीं, छपरी से थोड़ा और छपरी वाली है, इतनी स्टैंडर्ड इसने बढ़ा लिया। को जानती हूँ कि मैं वो लड़की हूँ ना कि मुझे कुछ भी बोल लो, अरे हाँ, फैमिली तक। मेरी फैमिली पे उंगली उठाई ना तो गाड़ने का दम रख। अच्छी सी इसकी ये बात से ना मैं सहमत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ही सहमत हूँ कि भाई ये पहली बार इतने इतनी अच्छी बात कही है कि इसके बात के साथ मैं सहमत हूँ। क्योंकि देखो भाई, जिसको भी आप हेट दे रहे हो ना, इसको हेट दो, उसको गालियाँ दो, चाहे भर भर के दो भाई, इसकी फैमिली को मत दो, क्योंकि इसकी फैमिली बेचारी पहले से ही नहीं बोलती, मेरे को ऐसा लगता है वो सभी गूंगे हैं, यही भोंगते रहती है हर वीडियो में, भाव भाव करते कुत्ते की तरह यही भोंगते रहती है भाई। इसका हस्बैंड तो मेरे को है ना बंदर की तरह दिखता है, गांधी जी के दो तीन बंदर नहीं होते के बहरा गूंगा और ना ही देखने वाला अंधा बहरा गूंगा, वो है इसका हस्बैंड। तो भाई अकाउंट हैक हो गया यार, वही खुलवाने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं भाई, ये बोलता भी है भाई। सॉरी भाई, मैं गलत हो गया भाई, ये बोलने भी लगा भाई। चलो कोई ना, अच्छी बात है, तू भी थोड़ा भोंक ले भाई। देखो पहली बात तो है ना, मैं हैकर को है ना भाई, जिसने भी इसकी आईडी हैक किया भाई, मेरे को ये सुकून मिला है भाई, कुछ दिन सही भाई सुकून तो मिलेगा, इसका रंडी रोना से तो सुकून तो मिलेगा भाई। और भाई हैकर को है ना लाखों लोगों की दुआ मिलेगी जिसने भी इसकी आईडी हैक की है भाई। अकाउंट उड़ गया है, उड़ा क्या है, किसी ने हैक कर लिया है और हैक करने के बाद 50,000 रुपए की डिमांड की गई है भाई। हैकर को भी पता चल गया होगा अब तो इसकी औकात गई, इसलिए 50,000 मांगी होंगे इसने भाई। 50,000 क्यों मांगे भाई तूने, चलो तू कुछ मांगी मत, तेरे को दुआ मिल रही, तू सीधा स्वर्ग में जाएगा भाई, इसकी आईडी मत दे तू भाई, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसकी आईडी मत देना अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो। यार जरूर कमाओ, जब आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहो, तुम भाई थे देखते। तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि दोस्त कमाओ भाई, वो हमने कमाए हैं, हमारे बुरे टाइम में आते हैं, तुमने तो कुछ ही नहीं कमाया, वो तुम्हें तो सभी नफरत करते हैं, वड़ा पाव वाली आंटी तुमसे इतनी लोग नफरत करते हैं ना, इतनी नफरत, तुम्हें खुद को पता है, तुम रियलाइज भी करती हो लेकिन तुम वो हरकत ही नहीं छोड़ती भाई, तुम बकचोदी पे बकचोदी करती रहती हो और गालियां खाती रहती हो भाई। मैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि भाई जितनों को भी हेट मिल रहा है ना, जितने भी छपरी लोगों को जितनों को भी हेट मिल रहा है ना, तुम सब अपना है ना कमेंट सेक्शन खोल के दिख लो भाई एक बार, चलो तुमको इतनी प्रकार की गालियां मिल रही है ना, हर भिन्न भिन्न प्रकार की गालियां मिल रही है भाई, इतनी नई नई गालियां इन्वेंशन हो रही है ना कि नए नए लौंडे गालियां सीख जा रहे हैं, इतनी नई नई भर भर की गालियां मिल रही है भाई। और भाई इसने तो है ना गालियां खाने में, हेट मिलने में ना भाई अदनान को भी पीछे छोड़ दिया, 07 अदनान जो कि बहुत गाली खाई थी उसने भाई, इसने तो ना उसको भी पीछे छोड़ दिया गालियां और हेट खाने में। साला भाई मेरे को अगर इतने हेट और गालियां मिलती ना तो मैं मेरा अकाउंट ही बंद कर देता, मैं कहीं चला जाता भाई, दूर समाधि ही ले लेता भाई, मैं हिमालय में चला जाता अगर मेरे को इतना मिलता, बट मेरे को तो कोई कमेंट ही नहीं करता वीडियोस में। तो भाई कमेंट करो ना आप लोग, बताओ तो सही कैसी बन रही है बहन चो वीडियो, बताओ तो सही, चलो तुम क्या करते हो कमेंट तो करके दिखाओ मेरे को,
मैं विनर हूँ इस शो की, क्योंकि चौथे दिन पोलोमी ने मुझसे सॉरी बोला था, साई ने सॉरी बोला था, रणवीर जी ने सॉरी बोला था कि चंद्रिका मानना पड़ेगा भाई तू लड़की है। अरे मैडम हम कब बोल रहे हैं तुम लड़का हो, हमको पता है तुम लड़की हो, थोड़ा तो डाउट है, ये मैं बकरी की तरह करती हूँ, ये कहीं जानवर तो नहीं है। तो भाई पहले तो है ना इसका ये वहम दूर कर दो, ये बिग बॉस की विनर है भाई, ये जब से बाहर आई है ना बिग बॉस ये बोल रही है मैं विनर मैं, भाई हम तुमको विनर मानते नहीं, तुमको सजेस्ट ही नहीं करते हैं, चलो तुमको पता नहीं बिग बॉस का कहाँ से ऑफर मिल गया भाई, नहीं मानते भाई विनर, हम तुमको बहुत ही घटिया दिखती हो तुम, बहुत ही घटिया भाई, ये जब भी मुँह मुँह खोलती है भाई गटर छापी बातें करती है। मैडम उन्होंने ना सॉरी इसलिए बोला है क्योंकि उनको पता है तुमने बाहर सोशल मीडिया पे कितना गंद और क्या क्या फैला के रखा है, गंदी रोना ये धोना धोना रामा ढोना सब तुमने सोशल मीडिया पे गंद फैला रखा है, इसलिए उन्होंने ना पहले ही हाथ जोड़ दिया ना दूर हो गए, इस गटर छाप के तो मुंह ही नहीं लग रहा है, कीचड़ में अगर पत्थर डालोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर उछलेगा, यही इसका है भाई, तुम इसका जितने इंटरव्यू लेगो ये तुम्हें ही भाई वो ठहरा देगी, इसका अभी लफड़ा चल रहा है तहलका तहलका प्रैंक के साथ भाई, इसका तो अल्टीमेट ही लफड़ा चल रहा है भाई, लफड़ा ही लफड़ा चल रहा है इसका तो अल्टीमेट, हर किसी से लड़ रही है भाई, पता है तुमको तुम्हारा कमबैक नहीं होगा, ये सोच रही इसका कमबैक हो जाएगा भाई, तुम्हारा बिल्कुल ही कमबैक नहीं होगा, 100% लिख के दे लो भाई नेवर, कद्दू कद्दू मेरा तुम्हारा कद्दे नहीं होना भाई, मैं भगवान से डेली प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कमबैक ही ना हो, तुम्हारी आईडी बैन हो जाए भाई। दैट्स माय टाइम गाइस, तो गाइस मैंने इसको शॉर्ट्स पे बहुत ही रोस्ट कर लिया था भाई, तो मैंने सोचा भाई लॉन्ग फॉर्मेट पे भी आना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे भी रोस्ट कर दिया भाई, तो ये शॉर्ट वीडियो है छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो भाई आप सभी तो पता ही है क्या करना है, लाइक का बटन दबा दो और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो भाई, कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा उस पर, तो भाई सीरीज बनाऊंगा पूरी रोस्ट की भाई, चोर तुम्हें पता चल जाएगा क्या चीज़ हूँ मैं, बस भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।